कि अब हवाएं ही करेंगी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और वो दिया है भाई विनोद भ्याणा, भाई विनोद भ्याणा, भाई विनोद भ्याणा। हांसी में भाजपा प्रत्याशी विनोद भ्याणा को मिल रहा है जनता का भरपूर प्यार। अनाज मंडी के व्यापारियों के समर्थन के बाद कल हांसी की वीआईपी मार्केट यानी कि इलेक्ट्रिक मार्केट के सभी सदस्यों ने विनोद भ्याणा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया। चलिए आपको भी दिखाते हैं जनसभा की कुछ झलकियां और सुनाते हैं भ्याणा जी का संबोधन। पूरे संसार में भारत को मान और सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे संसार में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं अगर सारी की सारी बातों का खुलासा करूं, समय बहुत लग जाएगा और प्रोग्राम अभी रात को और भी बहुत है। मैं आपको मोटा मोटी एक और बात बता के उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी 15 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, और अमेरिका में जाके जो उनका मान सम्मान हुआ वो अमेरिका से लाइव चल रहा था और आप सब ने टीवी पे देखा है, और किसी ने टीवी पे नहीं देखा होगा तो अखबार में जरूर पढ़ा होगा। इतना मान सम्मान आज से पहले भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका की जमीन पर कभी नहीं मिला। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की जमीन पर वहां के 50,000 नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, तो संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी, संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है? जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी होता है, क्योंकि अमेरिका संसार में सबसे शक्तिशाली देश है, और उस देश का राष्ट्रपति कुदरती तौर पे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुआ। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका की जमीन पर 50,000 लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपने भी टीवी में देखा होगा, मैंने भी देखा था, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बराबर, इससे अच्छे क्षण भारतवासियों के लिए और कोई हो नहीं। इतना गर्व और गौरव की बात हमारे लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेकों काम, अभी सरकार बनी है, सरकार बनने के फौरन बाद 370 खत्म करना, 35A खत्म करना, जब तक 370 लगी हुई थी हम भारत को अखंड भारत नहीं कह सकते थे। हम वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते, हम वहां जाके शादी नहीं कर सकते, तो हमारा भारत टोटल एक कैसे हुआ? मगर नरेंद्र मोदी जी ने अखंड भारत इस जनता को देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत समय लग जाएगा एक एक बात का जिक्र करूं, अगर मैं उनके प्रोजेक्ट्स का जिक्र करूं, उनकी योजनाओं का जिक्र करूं। एक एक योजना ऐसी योजना है जो गरीब आदमी के फायदे के लिए। बुजुर्ग और साथियों, एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। जब कोई पार्टी सरकार में रहती है और 5 साल सरकार चलाने के बाद जब दोबारा जनता के बीच में जाती है वोट मांगने के लिए, और जब उसका रिजल्ट आता है, अमूमन वो पहले से कम सीटें जीतती है, पहले से कम वोट प्राप्त करती है। मगर इस बार क्या हुआ, 2014 में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर चुनाव हुए तो 282 से 303 सीट पे आ गए, यानी कि पहले से बढ़ गई, घटी नहीं। पहले से सीटों का बढ़ना इस बात का परिचायक है कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के काम को पसंद किया, उनकी नीति को पसंद किया, उनकी नीयत को पसंद किया, उनके नेतृत्व को पसंद किया। जब भी तो सीटें बढ़ के आई,
अगर उनकी नीति नीयत और नेतृत्व को पसंद ना करते तो उनको सरकार में दोबारा प्रधानमंत्री का पद ना मिलता। और इसी तरह से अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार में जब से बागडोर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ में आई है, एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार देने का काम हमारे खट्टर साहब ने किया। पहले नौकरी सिफारिशों से मिलती थी और अब नौकरी मिलती है मेरिट से। पहले 40% वाले को नौकरी मिल जाती थी, अब मिलती है 85% वाले को। एक बच्चा जो 85% नंबर लेके आएगा और वो हरियाणा सरकार की नौकरी ज्वाइन करेगा, वो स्टेट का करेक्टर बनाएगा, वो खुद काबिल है तो निसंदेह वो अच्छे काम करेगा। और एक कोई निकम्मा लड़का नौकरी लगेगा तो उसने तो सिवाय सारा दिन दफ्तर में बैठना नहीं, दफ्तर से उठ के बाहर बीड़ी पीने चले जाना, कहीं ताश खेलने चले जाना, सवेरे 9 बजे दफ्तर गया और शाम को 5 बजे अपनी हाजिरी लगा के वापस, कोई काम नहीं चलता। यह असलियत है।